नमस्कार दोस्तों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे गेहूं से जो आटा बनता है उसका पैकेजिंग कैसे किया जाता है, पॉलीथीन में क्या मशीन रहता है, पैकेजिंग होने का जो प्रोसेस है इस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज हम आ चुके हैं जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में, अंजनी क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आए हैं हम आज अंशिका वंश फ्लोर मिल में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा, वीडियो ज़्यादा से शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अंशिका वंश फ्लोर मिल पिंडरा से बोल रहा हूँ। अपने यहाँ उच्च कोटि के गेहूं से सर्वोत्तम बना हुआ आटा का निर्माण किया जाता है, जिससे इस चारों तरफ के मतलब एरिए चारों तरफ के शहर में अपने यहाँ का आटा सप्लाई किया जाता है। अपने यहाँ 500 ग्राम से लेके 5 किलो तक का पैकिंग किया जाता है, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की मतलब कहना चाहिए हाथ से पैकिंग का यूज नहीं किया जाता, आटे में हाथ जा नहीं पाता, पैकिंग मशीन के द्वारा ही अपने यहाँ पैकिंग होता है। और अपने यहाँ का आटा बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूँ, ये मेरा मशीन है, इसमें मैं 500 ग्राम से 1 किलो तक का पाउच चला सकता हूँ। ये देखिए, आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये मेरा 900 ग्राम का पैकिंग हो रहा है, जिसमें से ये 900 ग्राम का पैकिंग है। और दोस्तों, मैं ये मशीन यहाँ से लिफ्ट से जो है लिफ्ट के द्वारा अपने यहाँ 8 टन का टैंक बना हुआ है, जिसमें आटा आके सप्लाई होकर उधर से बढ़ता है और मेरे को जितना चलाना होता है मैं ये वाइब्रेटर मशीन के द्वारा इसमें से ला के इसमें फिर मशीन को सेट करके यहाँ से चलाता हूँ। दोस्तों, ये मशीन है, रोल लगे हुए हैं पेपर, ये सीलिंग है, ये साइड बॉर्डर को मोड़ने की काम करती है और ये वाला लास्ट बॉर्डर को, जिससे पैकिंग चारों तरफ से सुरक्षित रहता है, हवा या कोई किसी भी प्रकार के कोई भी दूषित प्रकार के पंजा अंदर नहीं जा पाते। मैं अभी 900 ग्राम का ये पाउच चला रहा हूँ, इसका वजन 900 ग्राम है, ये आप देख सकते हैं 900 ग्राम। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।